हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने जा रहे हो ओएलएक्स वगैरह, वैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और 3 मई तक अब बढ़ गया है, तो उसमें छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप कहीं खरीदते हैं या कोई मोबाइल में खराबी है, क्या है, कैसे पता करें, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका हेडफोन जैक काम नहीं करता, आपका पोर्ट काम नहीं करता, या फिर दोस्तों आप बात करते करते कान में लगाते हैं लेकिन दोस्तों आपका लाइट जो है ऑफ नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसे कैसे चेक करें, यार किस तरह चेक करें दोस्तों, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। तो वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा। सिर्फ एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और उससे आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर क्या खराबी है, क्या चीज़ काम नहीं कर रहा है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा, सारा कुछ आपको पता चलेगा। और अगर आप कोई मोबाइल का दोस्तों कोई मोबाइल आप खरीद रहे हैं और उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वो ऐप के मदद से आप ले सकते हैं कि उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा रैम है, कौन सा कैमरा है, कितने मेगापिक्सल का, सारा कुछ सारा डिटेल बताएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और बताते हैं कि ये ऐप कैसा है दोस्तों। तो उस ऐप का नाम जो है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, अबाउट माई डिवाइस, ये जो ऐप है इसको आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको सारा कुछ के कैसे कैसे होता है। इसमें बीच बीच में ऐड होगा तो आपको सिर्फ बैक मारना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डिवाइस इन्फो है, अगर आपका डिवाइस के बारे में सारा कुछ जानना है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा एंड्रॉयड लेवल पे चल रहा है, कौन सा मॉडल है, कुछ भी है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ आपको दिखाता होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सारा कुछ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पहले डिवाइस में चलते हैं, तो यहाँ पर ऐड जो आएगा ये चीज़ आपको दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों OS कौन सा चल रहा है, तो OS देखिए यहाँ पर चल रहा है, वर्जन दिया हुआ ऊपर में, नीचे में एंड्रॉयड P चल रहा है। यहाँ पर CPU में चलते हैं, तो CPU कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। 8 कोर वाला CPU इसमें लगा हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 636। अब यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर शो किया होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डवेयर जो दिखा रहा है दोस्तों, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 का इसमें प्रोसेसर है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बैटरी वगैरह की, तो बैटरी का यहाँ पर दिखा रहा है कि बैटरी का स्थिति आपका क्या है, 60% लेवल है, गुड कंडीशन में है, चार्जिंग का स्टेटस में नहीं है। अगर मान लीजिए दोस्तों कभी ऐसा होता है कि आपका बैटरी फुल रहा है या बैटरी वगैरह किस तरह का है नहीं है, तो यहाँ पर कैपेसिटी जो है घट जाएगा। तो अभी मेरा 4000 दिखा रहा है। यूज़र ऐप में कौन कौन सा यूज़र ऐप इसमें दिखा रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ बता रहा है कि ये ऐप यहाँ पर चल रहा है। मेमोरी वगैरह देख लीजिए कि मेमोरी कितना खाली है, कितना भरती है, यहाँ पर दिखाएगा टोटल मेमोरी क्या है, नेटवर्क सिम ये सब तो देख लेंगे। चलिए दोस्तों आप टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑडियो टेस्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग प्रे वॉल्यूम के लिए लॉन्ग प्रेस अप की डाउन की यहाँ पर चेक करना है, और मेरा मोबाइल वाइब्रेट नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर दाबेंगे और वाइब्रेट नहीं हुआ तो समझ लीजिए मोबाइल में प्रॉब्लम है। यहाँ पर माइक वगैरह चल रहा है कि नहीं, तो वो भी यहाँ पर चेक हो जाएगा दोस्तों कि चल रहा है या नहीं है। तो यहाँ पर सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर वगैरह आप चेक कर सकते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिखा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्पीकर वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ पर से, और हेडफोन वगैरह भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों और क्या है इसमें, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले इसका चेक कर सकते हैं कि डिस्प्ले किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर अभी चेंज हो जाएगा कलर, तो कलर जैसे चेंज होगा तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन किस जगह में कैसा प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है, किस तरह का है, ब्लू ब्लैक ग्रीन सब कलर दिखाएगा। फिर यहाँ पर टच जो है दोस्तों, टच को यहाँ पर चेक करते हैं कि टच आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं टच वगैरह। होता क्या है दोस्तों अक्सर के अगर सैमसंग का मोबाइल है तो स्टार हैज़ ज़ीरो स्टार करके हम चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से ऐसे इस तरह से दोस्तों चेक कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले कहीं पर टूटा तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो आपको बता देगा। तो यहाँ पर टच में हम लोग जाके देख चुके हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं GPS की, तो GPS काम कर रहा है कि नहीं दोस्तों, तो GPS भी आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि हाँ सही सलामत है, सब कुछ ठीक है, नेटवर्क वगैरह शो कर रहा है, वरना यहाँ पर रेड कलर में आ जाएगा। कैमरा वगैरह भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कैमरा आपका चल रहा है कि नहीं। तो अभी मैं अंधेरे में बैठा हूँ, तो ऐसे यहाँ पर दिखा रहा है रेजोल्यूशन कितना है, यहाँ पर देखिए किस तरह का कैमरा है, क्या है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटी का ये फ़ोटो निकाल सकता है, रेजोल्यूशन, फ्रंट कैमरा भी देख सकते हैं, बैक कैमरा के भी देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों इसका
सेंसर की, तो सेंसर में कौन कौन सा सेंसर है, इसमें कौन कौन सा नहीं है, तो सारा कुछ दिखाएगा। और कौन सा यहाँ काम कर रहा है, जायरोस्कोप वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा। जैसे ये वाला प्रॉक्सी सेंसर, देखिए आप प्रॉक्सी सेंसर, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कभी कभी ऐसा लगता होता है कि फ़ोन आप करते हैं दोस्तों और आपका कान में सटाते लेकिन लाइट जले रहता है, तो प्रॉक्सी सेंसर आपका काम कर रहा है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉक्सी सेंसर हम ऊपर में ला रहे हैं हाथ, तो प्रॉक्सी सेंसर चेंज हो जा रहा है, लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर सही सलामत दिखा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉर्च वगैरह की, तो टॉर्च भी यहाँ पर जल रहा है या नहीं जल रहा है वो भी दिख जा रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद पोर्ट वगैरह काम कर रहा है कि नहीं तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ मेरा हेडफोन कनेक्टेड है, तो अभी माइक जो कनेक्टेड है वो दिखा रहा है, चार्जिंग केबल का कनेक्ट करेंगे तो ये भी शो कर देगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट जैसा टच करेंगे यहाँ पर अगर होगा सही तो दिखा देगा। तो अक्सर दोस्तों यहाँ पर पोर्ट का मैं बता दूँ कि पोर्ट का मैं क्या होता क्या है, खासकर रेडमी शॉमी के डिवाइस में, कि कभी कभी पोर्ट ख़राब हो जाता, काम नहीं करता, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पोर्ट बराबर काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बटन्स वगैरह चेक करने का है, तो प्रेस अप प्रेस डाउन दोस्तों, और स्क्रीन शॉट के लिए यहाँ पर बोला है लेने के लिए, तो कैसे लेंगे वो चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। तो देखिए हो गया कंफर्म। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही उम्मीद है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह आप अपने मोबाइल अगर आप कहीं पर ख़रीदने जा रहे हैं ओएलएक्स वगैरह में किसी के पास, तो आप जाके यहाँ पर दोस्तों इस तरह का ये ऐप डाउनलोड कर आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। वैसे इसमें एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, दूसरे ऐप के बारे में भी मैंने बताया है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी जानकारी है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये ऐप कैसा है, तो दोस्तों इसी तरह का और भी चीज़ हमारे चैनल पर आते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बहुत सारा चीज़ मिले। और दोस्तों इवनिंग में दोस्तों हम टेक न्यूज़ देते हैं हमारे चैनल पर, तो वो भी देखा करिए, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।